ไอ้เจ้าของเครื่องบินชิงช่องเล้งลงบิงมองบิงมองบิงมองบิงมองไงอยู่ที่ไรนะเจ๊กหนอซานซีचिंग चिंग चोंग चिंग चिंग चोंग पता नहीं क्या बोल रहे हैं बट भाई आज मैं खेल रहा हूँ रैंडम्स के साथ और इस वाले ही मैच में एक साइसो चाइनीज तो मुझे आइडिया तो है नहीं देखो मैं भगवान तो नहीं मुझे पता है कि भाई वो कौन है कहाँ से है बट जिस तरीके से उसकी हरकतें थी जिस तरीके से वो बोल रही थी और पता नहीं क्या था कौन सी कैसे क्या बोला कुछ आइडिया नहीं बट फाइट हमारी इन्हीं बदनों से होने वाली है जो हमारे को ऑल पे बोल रहे थे ना इन्हीं चाइनीज टाइप पता नहीं कैसे कैसे नाम थे इन लोगों के क्या था नो आइडिया बट गाइज आज इन लोगों से हमारी फाइट भी होती है और आज मैं खेल रहा हूँ ग्लोबल में रैंडम्स के साथ अब यहाँ के रैंडम्स तो घंटा ही कुछ नहीं बोलते कुछ समझ ही नहीं आता इनका बोल रहा क्या बोलते हैं या नहीं खैर जिन्होंने लाइक नहीं का फटो से लाइक कर दो और फाइट हमारी उड़ते के साथ उन्हीं बंदों से होती है अब भाई यहाँ पे ना ये चीज देखो जरा 7SC और पता नहीं उसके पीछे क्या नाम लिखा उस बंदे ने बट अब पता नहीं चाइनीज बनने में क्या था चाइनीज में था कि किस लैंग्वेज में था मुझे नहीं आइडिया बट सामने एक और बंदा है और जो घर में पीछे भाग रहा है वही है RP पे जिसका नाम आया हुआ था तो फटाफट से पहले इनको निपटाते हैं और इस नेट से बूम भाई अपना नेट वहाँ पे भी सही चलता था और इन चाइनीजों को तो मानने में और मजा आएगा तो भाई फटाफट से जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से जिन्होंने लाइक किया एंड अब बारी है उसकी जो छुप रहा है बहुत देर से उस वाले घर में वॉच आउट भाई इस बंदे का भी नाम मुझे तो उसको समझ तो आया नहीं पता नहीं क्या लिखा इसने भी बट भाई मजा आ रहा है इन लोगों को मारने का आपको भी मजा आ रहा है तो जरूर से लाइक वाले बटन पे दबा देना भाई और सब्सक्राइब वाले बटन पे तो दबाई लो मैं इससे थोड़े मजे लेता हूँ बट थोड़ी देर में फिनिश कर देता हूँ एंड अभी ये लोग वापस से रिकॉल हो जाते हैं और मेरे को ही मारने के लिए रिकॉल होता है इनफेक्ट मेरे से ही पंगा ले लेते हैं लोग तो बोलता है रुको बेटा आ रहा हूँ मैं भी तो अब इसका डायरेक्ट यहाँ से मैं गाड़ी मंगाता हूँ मेरे पास गाड़ी वाला फीचर तो मैं गाड़ी मंगाता हूँ एंड अब जहाँ जाने वाला वहाँ पे ये फिर से वही बंदे रिकॉल हो चुके हैं और इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है मेरे को मारने की तो क्या लगता है कैसे मैं बचनूंगा क्या होगा मतलब नॉक हो जाऊंगा या फिर रिकॉल होगा क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं आइडिया बट देखो ये वही है जिसका प्लेन पे नाम आया था चिंग चोंग जो कर रही थी पता नहीं क्या बट ये वही है इसका नाम देखा बोलो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो घंटा भी समझ नहीं आ रहा इसका नाम क्या है बट ठीक है भाई कुछ अब उतने में बगी रश कर देती है एंड ये लोग एक ही टीम के एक्चुअली में supplies Scanning for supplies. भाई यहाँ पर मुझे लगा था एक और बंदा होगा इनका चिंग चोंग वालों का तो भाई एक्चुअल में कोई था ही नहीं शायद से लास्ट टाइम रिकॉल था इन सभी को मैंने दो दो बार मार दिया भाई एंड इसका जिस बॉट को हमने नॉक किया था उसको फिनिश करते हैं उतने में ही जैसे जैसे हम निकलते हैं फिर एक और टीम
एंड ये बंदे भी वही सब ऐसा ही नाम वाले थे, मतलब कुछ समझ नहीं आता इनका नाम क्या है। एंड जैसे निकलता वहां से जीपा की for supplies. बंदे मैं नॉक किया ये बंदे को, अभी मैं थोड़ी देर पहले मारा था, ये फिर से आ गया यहाँ पे। भाई बड़ी जल्दी रिकॉल हो के मेरे को मारने आ रहे फटाफट से। खैर ऊपर एक बंदा लेटा हुआ, मुझे को यही साइड से दिख गया था, तो क्या होगा अब इसके साथ सोचिए। देखो देखो कैसे लेटा हुआ, भाई उठ जाओ सवेरा हो गया है। एंड बूम गाइस, इसको भी पूरी ऑल डेड कर दी टीम को। सो गाइस भाई साहब अब मजा आ रहा होगा, जरूर से एक बार शेयर करो दोस्तों के साथ और दिखाओ कि भाई क्या ही चल रही है ग्लोबल लॉबी में, मतलब पूरा अलग ही लेवल। खैर यहाँ पे बहुत ही गंदा में स्कैम होता है, यहाँ पे पीछे से मेरे को पड़ती है, लेकिन यहाँ पे गलती से मैं गाड़ी ठोक देता हूँ जल्दीबाजी में, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे थे ना वो भाई थोड़ा पता नहीं कैसे मतलब मेरे को देख लेते आते हुए। और अब मैं थोड़ा फंस फंस के, अब मेरे देखो एमओ भी नहीं थी और मैं फाइट ले नहीं सकता था, एमओ थी नहीं पे 26 एमओ की में थी और देखो पड़ी, और साइड में M4 में एमओ थी ही नहीं, स्कारल थी मेरे पे जिसमें एमओ थी नहीं। सबसे पहले आता हूँ एमओ खरीदता हूँ, बट मेरे साथ क्या स्कैम होता है देखना। ये बंदा मेरे को सीरियसली नहीं दिखा, मतलब रास्ता पता नहीं कैसे रास्ते पे खड़ा था लेकिन मुझे दिखा ही नहीं, कपड़े मैच हो गए थे कि क्या था मुझे नहीं दिखा। आप लोगों को दिखा क्या, जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई मुझे तो दिखा ही नहीं है बंदा कैसे मतलब आ कब में गया, मुझे आइडिया भी नहीं है। खैर जितने में जल्दी जल्दी उतरते हैं, अब यहाँ पे प्लेन जो था यहाँ से जा रहा था और एकदम अच्छे टाइम पर रिकॉल हुआ मैं, इसके बाद ये सर्कल खत्म होते के साथ रिकॉल बंद हो जाता है। एंड जैसे उतरता हूँ गाड़ी पर उतरता हूँ एंड डायरेक्टली ड्रॉप पर जाता हूँ, क्योंकि ड्रॉप के जाते ही हमारे को Level 3 लूट मिल जाती है और वहाँ से MG3 भी मिल जाती है अपने को। और अब बारी है फिर से पिंग पोंग की, पिंग पोंग बजाने के लिए। खैर सबसे पहले यहाँ से उतरते हैं, Level 3 लूट लेते हैं। Marked a location. Help! I'm being surrounded. Enemies ahead. लो भैया चिंग चोंग को मैंने दूसरी बार मार दिया, जिसका प्लेन पे नाम आया था 50 RP पे। तो भाई इसी के साथ ये वाले मैच में भाई दो बार इन बंदों को मैंने भर दिया, वो भी अकेले। अब रैंडम से वो साथ तो आ नहीं रहे थे, बट कोई नहीं मज़ा तो जरूर से भाई इतना ही बोलूँगा, अगर मज़ा आ गया हो भाई मचा दो लाइक वाला बटन में मचा दो पूरा। एंड अब जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मुझे एक बंदा वो दिखता है, वो वाली मतलब वो ट्रेन सी जो जा रही है ना उसके अंदर एक बंदा जाता हूँ वो दिखता है एंड मैं एकदम तेज़ी में जाता हूँ एंड उसने मेरे टीममेट को तो नॉक कर देता है। एंड अभी देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। I'm really sorry. ये
है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं गाड़ी भी से, खैर अच्छा हुआ कि मुझे किसी चिंग चोंग पिंग पोंग ने नहीं मारा, कोई रंगल के फ्लैग वाले बंदे ने मारा। बट इसका भी मेरे टीममेट ने इसको नॉक कर दिया, पर इसका भी बंदा पीछे था कहीं, उसने इसको भर दिया, तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मजा तो जब से लाइक करना। खैर आज की वीडियो में इतना, बाय बाय।